दोस्तों, अगर आप एक्सेल पे वर्क करते हैं तो हमारी डेली रूटीन के लाइफ में कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं एक्सेल पे जिसका हमें सल्यूशन नहीं मिल पाता और हम अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आपका सच्चा साथी, सच्चा हम सफ़र, और आप देख रहे हैं अब जीजी टेक्निकल फोर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा एक डेटा दिया गया है जिसमें क्या है, एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट नेम है, स्टेटस है, ग्रेड है और सेल क्वांटिटी दी गई है। ठीक है, अभी आपको इसमें करना क्या है, अभी आप देख रहे हैं ग्रेड वाइज है, यहाँ ए है, बी है, सी है एंड डी एंड ई है। ठीक है, अभी आपको इसमें करना क्या है, देखिए लिखा है डू ग्रेड वाइज सब टोटल ऑफ सेल क्वांटिटी, यानी हमें क्या करना है, ग्रेड वाइज इस सेल क्वांटिटी का सब टोटल करना है। तो आप लोग इसे कैसे करते होंगे, आइए जानते हैं। आप लोग क्या करते होंगे, जैसे ए है यहाँ, तो ए हमारे यहाँ फिनिश हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ एक रो इंसर्ट करते हैं और यहाँ आप क्या करते हैं, सम फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। इसी तरह आप करते हैं और इसको सम करते हैं और इसको ब्रैकेट बंद इंटर, ये आपने यहाँ लिखा, और इसको सेलेक्ट करते हैं, होम पे जाते हैं, मर्ज करते हैं और यहाँ लिखते हैं सब टोटल या ग्रैंड टोटल। ठीक है, ऐसे ही आप करते हैं इसको और यहाँ कलर फिल करते हैं, ये इस टाइप से आप लोग करते हो। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, इसके हम आपको तीन मैथड बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है, उसके बाद जाना आपको डेटा टाइप पे। डेटा टाइप पे जाने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा सब टोटल, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे सब टोटल का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ लिखा है एट ई चेंज इन, यानी यहाँ आपको किस में चेंज करना है, हमें ग्रेड वाइज करना था तो यहाँ हम ग्रेड सिलेक्ट करेंगे, देखिए जो कि मैंने कर रखा है पहले से। उसके बाद यूज फंक्शन, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी दी गई है, जैसे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा आप यहाँ से चूज करके परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सम करना है, तो हम यहाँ सम सिलेक्ट किए। उसके बाद लिखा है एड सब टोटल टू, यानी हमें क्या करना था, हमें सेल क्वांटिटी का सब टोटल करना है, तो यहाँ हमने देखिए सेल क्वांटिटी को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब आप इसको ओके कर देंगे, तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखिए हमारा टोटल होके आ चुका है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से अब सेलेक्ट करके कलर फिल कर सकते हैं, होम पे जाएंगे, यहाँ से कलर इस टाइप से फिल कर सकते हैं, या आप क्या करेंगे, यहाँ आप फिल्टर लगाइए, ठीक है, डेटा टाइप पर जाइए, फिल्टर अप्लाई करिए और यहाँ आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ आप जाना है टेक्स्ट फिल्टर पे, कंटेंट्स में जाना है, यहाँ आपको लिखना है टोटल, ठीक है, और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे एक साथ हमारा टोटल आ चुका है। इसको सेलेक्ट करिए और होम पे जाइए और यहाँ से कलर कर दीजिए, राइट। उसके बाद आप क्या करिए, इस फिल्टर को हटा दीजिए, तो अभी आपका देखिए ये कलर हो चुका है। ये तो हमारा था फर्स्ट मैथड, अब चलिए हम आपको सेकेंड मैथड बताते हैं। दोस्तों, सेकेंड मैथड में हम पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे, हम यहाँ कर्सर अपना रखेंगे, उसके बाद इंसर्ट पर जाएंगे, पाइवट टेबल क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर आपको पाइवट टेबल नहीं आता तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पाइवट टेबल कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिक टू एडवांस सारे लेशन दिए गए हैं, आप जाके सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोकेशन यहाँ देंगे और ओके करेंगे, राइट। इतना हमने कर लिया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग डेटा अपना ले लेंगे, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, स्टेटस, उसके बाद सेल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा डेटा आप देख रहे हैं इस टाइप से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ हमको डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे क्लासिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे, तो अभी आप देखिए हमारा क्लासिक आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक यहाँ करेंगे, ठीक है, ये सब टोटल हटा देंगे, इस पर क्लिक करेंगे सब टोटल हटा देंगे, इस पर क्लिक करेंगे सब टोटल को हटा देंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और सब टोटल को हटा देंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए हमारा डेटा इस टाइप से आ चुका है। ठीक है, अब आपके सामने ये देखिए जो छोटे छोटे बटन आ रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन। ठीक है, तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सो एक्सपैंड कोलैप्स बटन्स, इस पर हम क्लिक हटा देंगे और ओके कर देंगे, तो अभी आप देखेंगे ये हमारा बटन हट चुका है। अब हमको क्या करना था, ग्रेड वाइज सब टोटल, तो बस हम ग्रेड पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ सब टोटल क्लिक कर देंगे, तो अभी आप देखिए हमारा ग्रेड वाइज सब टोटल हो चुका है। अब मान लीजिए आपका ये जो ए आ रहा है, आपको इस वाले रो में भी फिल करना है, इस वाले रो में भी फिल करना है, इसी तरह बी का भी करना है, इसी तरह सी का भी, तो आप करेंगे क्या, राइट क्लिक करेंगे,
ठीक है, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, लेआउट एंड प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ रिपीट आइटम लेबल्स कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे आपके सारे में आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी करके और दूसरे सीट में जाके पेस्ट स्पेशल वैल्यू आप कर सकते हैं, अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दोस्तों अगर आप तीसरा मेथड जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।